संसद में बुधवार को हुई घुसपैठ के बाद गिरफ्तार किए गए आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सभी आरोपियों की 15 दिन की रिमांड मांगी। हालांकि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को चारों आरोपियों की 7 दिन की रिमांड दी है। दिल्ली पुलिस के वकील अतुल श्रीवास्तव ने इस पर क्या कुछ कहा, सुनिए। We had requested for 15 days police custody remand, which had been considered by the Leonard Court, and Leonard Court had been kind enough to grant 7 days PC remand. Sir, what were the grounds that you had taken when it comes to seeking this particular remand? Sir, you had asked for 15 days, you had asked to take some places, but 7 days have been given. Please tell me what you have said in court. Judge Sir, you have said that it has been given 7 days. First, investigation, then after that. संसद पर कलर स्प्रे से हमला करने वाले चारों आरोपियों मनोरंजन, सागर, अमोल और नीलम को दिल्ली पुलिस ने पटियाला कोर्ट में पेश किया। कोर्ट को दिल्ली पुलिस ने बताया कि एक सुनियोजित साजिश थी और भारत की संसद पर हमला था। अभियोजन पक्ष ने गिरफ्तार किए गए चार लोगों पर आतंकवाद का आरोप लगाया है, साथ ही कहा कि चारों लोगों ने डर पैदा करने का प्रयास किया। पुलिस वकील ने आगे कहा कि आरोपी ने पैम्फलेट ले रखा था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को लापता व्यक्ति घोषित किया गया था और कहा गया था कि जो व्यक्ति उन्हें ढूंढेगा उसे स्विस बैंक से पैसा दिया जाएगा। आरोपियों ने पीएम को घोषित अपराधी की तरह दिखाया। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा ललित झा अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। साथ ही चारों आरोपियों के फोन भी पुलिस को रिकवर करने हैं। इसके अलावा लोकसभा के अंदर और संसद के बाहर जिस कलर स्प्रे को फेंका गया था वो कहाँ से खरीदा गया, इसकी भी जानकारी पुलिस जुटाने की कोशिश में है। वहीं संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा देखने को मिला, जिस वजह से संसद के दोनों सदनों में से 15 सांसदों को निलंबित किया गया। इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा, जाते जाते वो भी सुनिए। मुझे ये संदेश भेजा गया कि मांग क्या है। मैंने कहा मांग तो बहुत कुछ आई, लेकिन कम से कम गृह मंत्री सदन में आए और सदन में आकर अपना स्टेटमेंट, अपना बयान दे और हमें 2-4 सवाल पूछने का अगर मौका दिया जाए तो हम सोचेंगे कि ठीक है, चलो सदन को दोबारा शुरुआत करने की हमें मौका मिल जाएगा। देखिए, हम लोग बाहर से आते हैं सदन में भाग लेने के लिए और आज तक आपने क्या देखा, जिस दिन इस सदन शुरुआत हुई आज तक क्या देखा, रोजाना हम सदन में भाग लेते हैं और स्पीकर साहब और सरकार साहब कहते हैं कि हमारे सदन की उत्पादकता बढ़ जाए, बढ़ रहे हैं। गवाह है सब, इधर देखिए ना, गवाह है कि रोजाना हम सदन में भाग लेते हैं और हमारा बात रखते हैं। एको दिन हम सदन के अंदर कोई रोकथाम या कोई बाधा नहीं डाले। क्यों डालेंगे, सदन हमारे हैं। और कल भी आपने क्या देखा, जब सदन की सुरक्षा की चूक होने के नाते बाहर से हमला हो रहे थे, बाहर से आकर, और वो भी बीजेपी संसद की दिया हुआ पास जिसके बदौलत ये दोनों अंदर घुसे थे, कूदने के बाद भी हमारे ये सदन की मेंबरों ने उनको रोका। हमारे कांग्रेस की एमपी ओजला को हाथ जल गया, सारे जल गई। तो सदन कोई बीजेपी के पार्टी ऑफिस नहीं है, सदन हम सबका है। जो मर्जी कर रहे हैं ये लोग, कि हमें कोई मांग रखने का अधिकार नहीं है, मानो या ना मानो आपकी बात है, तो हमें तो मांग रखने का अधिकार देना चाहिए। मांग अगर रखते हैं तो हमें माइक नहीं दिया जाते हैं, जब माइक नहीं दिया जाते हैं तो हम चिल्ला चिल्ला के बोलने की कोशिश करते हैं, कभी एक दो तख्तियां भी दिखाते हैं। इसका मतलब तुम सदन से बहिष्कार हो गए।